आज कितना बड़ा अंतर है। कोई उद्योगपति कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश, राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, वो कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, बाबा विश्वनाथ की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, वो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, जहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहाँ पर गुंडों को ठस किया जाता है, उस जगह अब हम उद्योग लगाएंगे। कितना अंतर है। संकट काल में जो विश्व के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, उस समय उन्होंने कहा मोदी जी हमें दबा दो, मोदी जी हमें दबा दो, और मोदी जी ने जब अमेरिका को दबा दी तो अमेरिका ने कहा मोदी तुम एक महान व्यक्तित्व हो, मोदी तुम एक महान शक्ति हो, तुम्हारे अंदर ईश्वरीय शक्ति है, तुम्हारे तुमने ऐसे संकट के समय हमारी मदद की। और मैं कह सकता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, जिनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और उन्होंने चूंकि जो मैं अभी शिष्य और गुरु वाली कहानी भारत विश्वगुरु वाली बता रहा हूँ, उन्होंने वो खान वो निभाई थी। क्यों निभाई? उन्होंने अपने पिताजी के स्वर्गवास में नहीं गए, उन्होंने अपने प्रदेश की बात समझी गई और अंतर उनकी अंत्येष्टि में जाकर उन्होंने कहा जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वो। लेकिन चलो मैं ये कहता हूँ, उन्होंने धर्मेंद्र यादव जी ने उसकी शुरुआत करी थी, मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत की थी, लेकिन केवल छोड़कर चले गए और उन्होंने कुछ किया। वैसे कहता हूँ बाईपास उन्होंने स्वीकृत कराया, लेकिन बाईपास में जो पुल बनना था वो पुल उन्होंने स्वीकृत नहीं कराया और काम सब ऐसे ही छोड़ गए। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इतने विकास कार्य कराए, वो उस कार्यकाल को लोग भूल गए। आज बाईपास पूरा हो गया, पुल मंजूर हो गया और बाईपास लगभग क्या पूरा 95% का 98% सब बन चुका वहाँ पर। आज मेडिकल कॉलेज में कक्षा चालू में पूरा पैसा वहाँ दिलवाया। इतने विकास कार्य हुए हैं, मैं कह सकता हूँ एक एक विधानसभा, मेरी विधानसभा में लगभग 900 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ, 900 करोड़ से ज़्यादा का मेरी अगली विधानसभा। नमस्कार, स्वागत है आपका दर्शन पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं बदायूं सदर विधायक और भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री श्री महेश गुप्ता जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको 2019 में भाजपा से पहली बार 28 सालों में किसी को मंत्री पद दिया गया इस क्षेत्र से, इस पर क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं शुरू से ही अपना संघ में अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना मैं शुरू से उस अपने संगठन में रहा हूँ, भाजपा आज तक मैं अपने इसी संगठन में रहा, और मेरे मन का ये भाव रहा मुझे जो जिम्मेदारी मिली वो जिम्मेदारी मैंने निभाई। मैं मंडल अध्यक्ष रहा, जिला मंत्री रहा, पंचायत प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा, लोकसभा संयोजक रहा, विधानसभा संयोजक था। जो भी जिम्मेदारी मिलती गई वो जिम्मेदारी बखूबी मैंने निभाई। 2007 फिर मैं जिला अध्यक्ष बना, 2000 में फिर 1996 में मैं पीछे मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। मेरा मानना यह है कि एक शिष्य ने अपने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी भारत हमारा विश्वगुरु था, भारत हमारा विश्व शिखर पर था, भारत हमारा सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था, वो दिन कब आएगा जब हमारा भारत विश्व शिखर पर पहुंचेगा? तो स्वामी जी ने कहा सुन बच्चा, मैं बहुत सूक्ष्म उत्तर इसका उत्तर देता हूं। तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर होगा वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगेगा, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा, भारत हमारा विश्व गुरु होगा। तो मेरे मन में तो वो ही भाव है कि जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली मैंने बखूबी निभाई और मुझसे मेरी अपनी स्वयं आत्मा संतुष्ट रही। ऊपर संगठन ने मेरी मुझ पर भरोसा किया है, विश्वास किया है, तो शायद संगठन के मन में ये भाव आया होगा कि महेश गुप्ता को जिम्मेदारी मिलेगी तो ये भी निभाएंगे। तो मैं वो जो जिम्मेदारी मुझे दिया है संगठन ने, जो मुझ पर विश्वास किया है, उस विश्वास को निभाते हुए, उस विश्वास को बरकरार रखते हुए मैं बखूबी जो जिम्मेदारी मिली है मैं उससे मैं निभा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में भाव है कि जो जिम्मेदारी मिले वो जरूर निभाओ। हम उससे भी सीख लेते हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी भी कथनी करनी में अंतर नहीं। और मैं कहता हूँ जिस नेता की जिस नेतृत्व की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है उसकी वाणी में दम होता है, तो मैं उसी हिसाब से अपना कार्य करता हूँ। सर बहुत अच्छे। सर अभी हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमने कुछ लोगों से बात की थी, सर बहुत से लोगों की समस्या है, बस थोड़ी जो है वो है बिजली की।
यहाँ पे बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसका निवारण कैसे होगा? बिजली की समस्या तो पहले 2007 में या उसके बाद के जो कार्यकाल था उसमें थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है वास्तव में बिजली इतनी मालूम कस्बों पर शहरों पर 24 घंटे मिल रही, तहसीलों में मिल रही, गाँव में मिल रही। इस समय आकर चूँकि गांव-गांव इस समय जो कनेक्शन दिए गए पूरी तरह लाट दी गई है, कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हमारे अपने बदायूं में भी हमारे पुठी सराय पर 400 KVA का एक बड़ा बिजली घर बन गया है, जो 676 करोड़ रुपए की लागत का है, वो बहुत उसे दिसंबर में पूर्ण हो जाएगा ऐसा हमें लगता है, और वो हमारे ज़िले की का वो और ज़िलों को भी बिजली सप्लाई करेगा, तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। सर कब तक उम्मीद है समस्या खत्म होगी? वैसे तो समस्या अभी थोड़ी बहुत है, लेकिन ये तो अभी ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो नेतृत्व तो है हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी पूरी उसकी चिंता करते हैं, BC के माध्यम से भी अभी उन्होंने हमारे पीछे 10-12 दिन पहले मीटिंग की थी, उसमें भी सबको बताई थी, तो समस्या तो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और अब भविष्य में जो दिसंबर में ऐसा हो जाएगा हमारे ज़िले को बिजली क्या और ज़िलों को भी बिजली पहुंचेगी, इतना बड़ा हमारा जो विद्युत घर बनने आया। सर कोरोना संकट के दौरान काफ़ी जो लघु उद्योग व्यापारी हैं उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई किस तरह से की जा रही है आपकी क्षेत्र? अब जो कोरोना का संकट एक ऐसा संकट था जो विश्व में इस विकराल रूप से जो फैला, और विश्व के लोग ये समझते थे क्योंकि भारत की जैसी आबादी है तो विश्व के लोग ये सोचते थे कि जब भारत में ये कोरोना बीमारी पहुंचेगी तो वहाँ ऐसा संकट खड़ा होगा कि एक हलचल सी मचेगी। लेकिन मैं नमन करता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने एक लॉकडाउन किया और एक देश को एक ऐसा संदेश दिया, एक ऐसे सूत्र में बांधे कि उन्होंने 22 मार्च आह्वान किया था कि मेरे देशवासियों आप सब लोग अपने घर के बाहर शाम 5 बजे थाली है, घंटा है, घड़ियाल है और आप संघ ध्वनि से आवाज देंगे और एक जागृति देश में पैदा करेंगे, और उस 5 बजे पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ अपने घरों के बाहर आकर, और उन्होंने संघ ध्वनि घंटा घड़ियाल से एक ऐसी जागृति पैदा की कि पूरे विश्व में ये एक संदेश दे दिया कि हमारा भारत एक है। और उन्होंने फिर उसके बाद फिर एक आह्वान किया था 5 अप्रैल के लिए, उसमें उन्होंने कहा हमारे मेरे देशवासियों सभी अपने घर बाहर आकर, अपने घर की लाइटें जलाकर, घर के बाहर आकर दिए जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, फ्लैश लाइट जलाओ, और ऐसा एक सूत्र में बांधो कि हम कोरोना को हराएंगे और देश में जागृति लाएंगे। उस समय भी सबने एक सब परिचय दिया था, और उस संकट काल में जो विश्व के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे उस समय उन्होंने कहा मोदी जी हमें दवा दो, मोदी जी हमें दवा दो, और मोदी जी ने जब अमेरिका को दवा दी तो अमेरिका ने कहा मोदी तुम एक महान व्यक्तित्व हो, मोदी तुम एक महान शक्ति हो, तुम्हारे अंदर ईश्वर शक्ति है, तुमने ऐसे संकट के समय हमारी मदद की। जब ब्राज़ील को दवा दी तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने कहा मोदी जी तुमने हमारे ऐसे समय में मदद करी जिस समय भगवान राम के भाई शेष अवतार लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे और पवन सुत हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर हमारे लिए मदद करी, वही आपने संजीवनी हमारे देश को दी है। अभी पूछा अमेरिका, उसमें लंका रही अन्य देश, उन्होंने अलग अलग उपाधियों से हमारे माननीय मोदी जी की तारीफ की। तो आज उन्होंने चलता उद्योग और इन सबको भी एक जो पैकेज दिया है उन्होंने इस प्रकार से जो पैकेज उस समय दिया, फिर 20 लाख का पैकेज फिर दिया। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कोरोना में अलग अलग तरह की सबको छूटें दी हैं, राहत पैकेज दिए हैं, तो वो उनको कम से कम लोन पर हमारे सब तरह की जो व्यवस्था है लघु उद्योग व्यापारियों उनको भी, किसानों को भी, मजदूरों को भी, सबको सहायता के लिए दिया है। और मैं कह सकता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा जिनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और उन्होंने चूंकि जो मैं अभी वो शिष्य और गुरु वाली कहानी भारत विश्वगुरु वाली बता रहा हूँ, उन्होंने वो निभाई थी। क्यों निभाई? उन्होंने अपने पिताजी के स्वर्गवास में नहीं गए, उन्होंने अपने प्रदेश की बात समझी गई और उनकी अंत्येष्टि में जाकर उन्होंने कहा जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वो निभाऊंगा। कोरोना काल में भी बहुत अच्छा सब काम किया। सर यहाँ के लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी में भले ही गुंडा राज रहा हो लेकिन काम भी उसी पार्टी में हुआ है, और
इस यहाँ पर बदायूं क्षेत्र में जो भी काम हुआ समाजवादी पार्टी ने कराया है, भाजपा की तरफ से ना कोई नया काम हुआ है और ना ही किसी नए काम की कोई आशा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जमाने में ये जो बात है, उन्होंने दो काम की शुरुआत की थी। एक बाईपास की शुरुआत की थी। वैसे जब मैं 2007 में विधायक था, मैंने बकायदा विधानसभा में ये आवाज़ बाईपास की उठाई थी और उस समय यहाँ से प्राकमन वगैरह पूरा सब गया था। लेकिन चलो मैं ये कहता हूँ, उन्होंने धर्मेंद्र यादव जी ने उसकी शुरुआत करी थी, मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत की थी, लेकिन केवल छोड़ कर चले गए और उन्होंने कुछ किया। मैं ऐसे कहता हूँ, बाईपास उन्होंने स्वीकृत कराया, लेकिन बाईपास में जो पुल बनना था वो पुल उन्होंने स्वीकृत नहीं कराया और काम सब ऐसे ही छोड़ गए। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इतने विकास कार्य कराए, वो उस कार्यकाल को लोग भूल गए। आज बाईपास पूरा हो गया, पुल मंजूर हो गया और बाईपास लगभग लगभग क्या पूरा 95% का 98% सब बन चुका वहाँ पर। आज मेडिकल कॉलेज में कक्षा चालू होंगे, पूरा पैसा वहाँ दिलवाया। इतने विकास कार्य हुए हैं, मैं कह सकता हूँ एक एक विधानसभा में, मेरी विधानसभा में ही लगभग 900 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ है, 900 करोड़ से ज़्यादा का मेरी अगली विधानसभा में। तो हमारे ज़िले में कितनी विधानसभा है, कहीं डिग्री कॉलेज है, कहीं आई टी कॉलेज, कहीं कुछ, कहीं पुल हैं, मतलब इतने सब कुछ कर दिए, इतनी सड़कें बन गई, गाँव सड़कें बन गई। तो मैं कह सकता हूँ इतना विकास कार्य। और मैं आज के दावे से कह सकता हूँ, अगर कोरोना का ये काल ना होता, आज जो हमारे 5-6 महीने हो गए, आज और भी तस्वीर सब अच्छी होती। आज मेरी विधानसभा की सब लगभग सब सड़कें पक्की हो रही हैं, स्वीकृत हो गई हैं। तो मैं कह सकता हूँ जितना विकास कार्य इस समय हुआ है, इतना विकास कार्य कभी नहीं। आज हमारे गांव-गांव हम बड़ा घर बनवा रहे हैं, पंचायत भवन बनवा रहे हैं, ये सब क्या अपने उस हिसाब से हो रहा है। अभी हमने ये यहाँ पर पुल बनवा दिया लाल पुल का, उस समय जो पीछे बनवाया था मैंने, विकास कार्य हमारा काफ़ी। सर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है इस क्षेत्र में सर, देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो मजदूर बनकर बाहर काम करते हैं, या NCR में मान लीजिए, या कहीं पुणे बेंगलोर बड़े बड़े शहरों में जाकर मजदूरों का काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। सर क्यों ना उनके लिए इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे उद्योग बनाने चाहिए कि जिससे वो अपने ही क्षेत्र में कुछ रोजगार के अवसर उनके लिए पैदा हों। हाँ वैसे अभी सब हमारे प्रवासी मजदूर और ये सब आए थे तो मनरेगा के तहत उन्होंने काम किया था, और भी सब कुछ कंपनियों से ऐसी बात की जो उनको मजदूरी दें। ये बात सही भी है। अब आगे भी जो हमारी सरकार की योजना है, उस योजना के तहत लोन द्वारा स्वयं हम उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, ऐसा हमारा संगठन का निर्देश है, ऐसा माननीय मोदी भी चाहते हैं। क्योंकि हम स्वयं में इतने आत्मबल हों, हमारा आत्मनिर्भर हों कि हम स्वयं ही अपने उद्योग लगाएं, स्वयं ही सब कुछ करें, ऐसा है। जब इतने बड़े पैकेज दिए हैं तो ज़रूर हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। सर 2022 में आप क्या उम्मीद करते हैं, दोबारा सरकार बनेगी भाजपा की? 2022 में मैं कह सकता हूँ इतना काम, इतना विकास का काम, या इतना ईमानदार मुख्यमंत्री, इतने हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री, इतना काम, इतना अच्छा काम हुए हैं, इतने जनता आज ये कहती है कि पहली बार गरीबों की अगर बिजली चली तो भाजपा सरकार ने पूछी। आज उसे घर बैठे गरीब के लिए 5 किलो अनाज जा रहा है, 1 किलो चना जा रहा है, कहीं कहीं चावल जा रहा है, तो कहीं दूसरा अनाज जा रहा है, कहीं गेहूँ जा रहा है, और पूरा इतनी कोई चिंता, और उनको हर एक के लिए 1,000 रुपये दिए गए। तो ऐसा कभी गरीबी के सिस्टम में नहीं आया। मैं ये दावे से कह सकता हूँ इतना अनाज मिला है कि सच्चाई तो यह है कि बहुत से लोगों ने उसको बाद में इतना हो गया कि उन्होंने बेच भी दिया। सर बेच भी दिया, लेकिन सर मैं भी कुछ लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि अनाज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, दलाल के बीच में जो राशन डीलर है उन्होंने पर्याप्त मात्रा में अनाज सही से नहीं बांटा है। नहीं, ये बिल्कुल 100% गलत बात है। इतना अनाज चूँकि हर जगह एक कहीं ना कहीं कोई ना कहीं अधिकारी किसी ना किसी की ड्यूटी लगाई है, और चूँकि मैं नज़दीक से इस चीज़ को देखा है कि इतना अनाज को उनकी आज तक कभी मिला ही नहीं जी। ये तो बिल्कुल गलत किसी कहना है कि अनाज नहीं मिला। मैं कहता हूँ किसी से भी पूछ लो, हर गरीब व्यक्ति कहता है कि हमको इतना अनाज मिला, इतना आज तक नहीं मिला। सर आप इस क्षेत्र में, सर ये क्षेत्र बताइए, क्राइम के मामले में काफ़ी अव्वल रहा है, तो सर इस समय वर्तमान में स्थिति क्या है? देखिए एक किसी से उदाहरण समझ लीजिए, पहले इस प्रदेश में उद्योगपति उद्योग नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे? वो कहते थे हम वहाँ उद्योग लगाएंगे तो हम गुंडा राज, हमें गुंडागर्दी की उन्हें
वो देनी पड़ेगी, क्या क्या बोलते हैं, रंगदारी देनी पड़ेगी जी, उनकी गुंडागर्दी होगी और उनका इस पर गुंडा टैक्स होगा, वो हमारा सब हमको गुंडागर्दी दिखाएंगे, तो कोई भी उद्योगपति है उद्योग लगाने नहीं आ सकता। आज कितना बड़ा अंतर है, वो ही उद्योगपति कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश, वो राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, वो कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, बाबा विश्वनाथ की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, वो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, जहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहाँ पर गुंडों को ठाँ ठाँ ठस किया जाता है, उस जगह अब हम उद्योग लगाएंगे तो कितना अंतर है, पहले उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश है, और इससे बड़ी हमें उपलब्धि क्या होगी कि आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले कहीं जाते थे तो जब शस्त्र खरीद के लाते थे तो वो शस्त्र देते थे, लेकिन उसका जो गोला बारूद था या कारतूस थे वो कम देते थे। जब कहीं युद्ध होने को होता था तो हमारे देश के लोग जवान घबरा देते, हमारे देश के घबरा देते कि अगर युद्ध हो गया तो हम पर गोला बारूद कम है। आज हमको कितना गर्व की बात है कि आज हमारे देश में के अंदर ही एक से एक बढ़िया गोला बारूद मिसाइल जो भी कुछ हैं, एक से एक शस्त्र बन रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही फरवरी के महीने में हमारा डिफेंस एक्सपो लगा था उसमें, और उसमें 49 देशों के सेनापति हमारे उत्तर प्रदेश में, 49 देशों के सेनापति, 70 देशों के लोगों ने यहाँ उसकी सहभागिता की, और यहाँ ये हमारे यहाँ ऐसी ऐसी तोपें बन रही हैं जो दुश्मन के सीने को धाय धाय करके छलनी कर देंगी, तो इससे बड़ी हमें उपलब्धि क्या होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप हमारे चैनल पर आने के लिए, और सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप आगे भी ऐसे अच्छा काम करेंगे।